वाराणसी के 88 घाटों में से 64 या घाट एक अनोखा घाट है, क्योंकि इस घाट को डेडिकेट किया गया है माँ काली के 64 योगिनियों को। हिस्टोरिकल एविडेंट के अनुसार 16 सेंचुरी में बंगाल के राजा महाराजा प्रतापादित्य के द्वारा इस घाट का निर्माण किया गया था, लेकिन इस घाट की हालत कुछ ही साल में ही बहुत ही खराब अवस्था में आ गए थे। उसी समय राजस्थान के उदयपुर के एक राजा ने इस घाट का पुनर्निर्माण किया था। 64 या घाट संस्कृत पंडित श्री मधुसूदन सरस्वती के कारण विख्यात हुआ, क्योंकि पंडित जी इसी घाट पे बैठ के ही वेदांत कल्पलति का, अद्वैत सिद्धि और भगवत गीता वास्य रचना किए। 64 या घाट पेशवा घाट के पास में ही स्थित है। इसी घाट के पास ही पीपल के पेड़ के नीचे राजा प्रतापादित्य के मूर्ति भी स्थित है। बंगाली कम्युनिटी के सारे लोग फ्रिक्वेंटली विजिट करने यहाँ पे हमेशा आते हैं, क्योंकि अपने संतानों को मुंडन कराने के हेतु। 64 शब्द अंग्रेजी के 64 है, ये हम सभी जानते हैं। हिंदू पुराण अनुसार 64 योगिनी है माँ दुर्गा और माँ काली के असिस्टेंट गॉड। इसी घाट के नजदीकी 64 योगिनी टेम्पल स्थित है। मार्च और अप्रैल के महीने में, मतलब हिंदू मत अनुसार चैत्र के महीने में, बहुत सारे भक्त इसी टेम्पल में हर साल पूजा देने के लिए आते हैं। उसी समय सारे भक्त इसी घाट में नहाते भी है। इसके अतिरिक्त होली के समय बहुत सारे भक्तों का भीड़ यहाँ पे हमेशा रहता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए आपकी वेंद्री को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नए कुछ वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय, हर हर महादेव।